इंजन के बिना ट्रेन यात्राएं 10 किलोमीटर यात्रियों के लिए संकीर्ण बचे। अलर्ट स्टाफ ने अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस पर ध्यान दिया। असामयिक आंदोलन रेलवे पटरियों पर पत्थर लगाने के लिए चले गए और ट्रेन को रोक दिया। ओडिशा में एक ट्रेन पर यात्रियों के साथ शनिवार की रात एक इंजन के बिना 10 किलोमीटर की दूरी पर इंजन चलाया। रेलगाड़ी इंजन को पहले डिब्बों से अलग किया गया था, क्योंकि गाड़ी चलने लगी जाने से पहले गाड़ी चलाना शुरू हो गया था, क्योंकि स्किड ब्रेक को चार्ज करने वाले व्यक्तियों द्वारा लागू नहीं किया गया था। जैसे ही रेलवे के कर्मचारियों ने ट्रेन के असामयिक आंदोलन को देखा, वे रास्ते पर पत्थर रखने के लिए चले गए और इसे रोकने में कामयाब रहे। लेकिन लगभग 10 किलोमीटर के लिए यात्रा करने से पहले नहीं, रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित था। अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 380 किलोमीटर दूर टिटलागढ़ स्टेशन पर थी, जब शनिवार को शाम 10 बजे चलना शुरू हो गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रवक्ता ने बताया, सभी यात्रियों को सुरक्षित हैं और कोई भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। जब ट्रेन के दूसरे छोर पर इंजन को अलग करने के बाद डिब्बों को केसिंगा में ले जाया गया, रेलवे के अधिकारियों ने यह भी कहा कि टिटलागढ़ स्टेशन से स्टेशन के निकट एक क्षेत्र केसिंगा की तरफ जाने वाला हिस्सा नीचे ढलान है। प्रवक्ता के मुताबिक रेलवे के दो सदस्यों जो शंटिंग प्रक्रिया को चलाने के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें कोच को इंजन जोड़ना शामिल है, को निलंबित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि रेलगाड़ी को रोकने के बाद कर्मचारियों को ट्रेन की यात्रा जारी रखने के लिए एक ट्रेन इंजन को मौके पर भेजा गया। जयदेश गुप्ता संभालपुर के लिए डिवीजनल रेलवे प्रबंधक, जिसके तहत टिटलागढ़ स्टेशन गिरता है, ने ट्रेन के आंदोलन में एक वरिष्ठ स्तर की जांच का आदेश दिया है।